ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे बहुत सारे जैसे गेट में सेट में आपका जो क्वेश्चन पूछता है ना, जब ऑप्टिमल क्वेश्चन की बात करता है तो वहां पे मैं या फिर कोई भी आपको वोजल्स मेथड सजेस्ट करेगा। इससे क्या होगा, हम अपने ऑप्शन पे या करेक्ट आंसर पे जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी जैसे इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड पढ़ा था एंड लिस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ा था, तो उसमें क्या था, थोड़ा सा वो थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा सा फास्ट, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हमें जल्दी पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व, इस मेथड को इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से नोट डाउन करता हूँ। तो क्वेश्चन अब आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देगा जिसमें हमें वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस टाइप का एक टेबल दिया दिया रहेगा, ठीक है। और इसके लिए जैसे हमने प्रीवियसली किया था उसी तरह से यहाँ पे फिर से करेंगे। बस इसमें है कि इनिशियल अप्रोच हमारा अलग होता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अलग था, लिस्ट कॉस्ट में अलग था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं मैट्रिक्स को, इस कॉस्ट मैट्रिक्स को फिर से नोट डाउन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, और इधर ये डिमांड है, ये ओरिजिन है हमारा और ये हमारा डिस्टिनेशन है, ओके। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आपको पेनाल्टी निकालना है, पहले रो पेनाल्टी एंड कॉस्ट पेनाल्टी। इधर देखिए, जैसे हम फर्स्ट रो का निकालेंगे, सेकंड रो का निकालेंगे, थर्ड रो का निकालेंगे, तो जो रो निकालेंगे उस रो वाइज उसको हम क्या बोलेंगे, रो पेनाल्टी। उसी तरह जब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का निकालेंगे तो इसको हम लोग कॉलम पेनाल्टी बोलते हैं। इसको कुछ इस टाइप से नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इधर लिख लेते हैं रो पेनाल्टी और इधर कॉलम, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं पेनाल्टी। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपको इस जैसे फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट मिनिमम लीजिए और सेकंड मिनिमम लीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड सेकंड लिस्ट एलिमेंट होगा उस दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट क्या है इसमें 11 है, ओके, और सेकंड सेकंड 13 है, तो 13 और 11 का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका रो पेनाल्टी। तो इधर से रो पेनाल्टी निकालते हैं। फर्स्ट पेनाल्टी ऐसे फर्स्ट टाइम करेंगे फर्स्ट पेनाल्टी, तो मैं इसको P1 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहां से देखिए P1 क्या होगा, फर्स्ट रो में निकालें तो आप क्या करिए, इस रो फर्स्ट रो का दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाइए और उनका डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 11, सेकेंड सेकेंड स्मॉलेस्ट है 13। तो 13 माइनस 11 जो हो जाएगा वो आपका पेनाल्टी हो जाएगा। तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह सेकंड रो में आते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट कौन सा है 10, और सेकंड लिस्ट एलिमेंट 10 के बाद 14 है, तो 10 और 14 का डिफरेंस 4 हो जाएगा। थर्ड वन, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 10, 10 के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 13, तीन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, ओके। अब उसी तरह इसमें आइए कॉलम वाइज, तो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 11, एंड सेकेंड एलिमेंट स्मॉलेस्ट क्या है 16, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 5। सिमिलरली इसमें आइए 13 और इसके बाद 18, इनका डिफरेंस 5। इधर आइए स्मॉलेस्ट कौन सा है 13, सेकेंड स्मॉलेस्ट 14, सो डिफरेंस हो जाएगा 1। एंड इधर दोनों स्मॉलेस्ट 10 10 है, तो आपको यही ये नहीं कि 10 को छोड़ के लेना है, अब जो भी हो आपको, जैसे फर्स्ट आपने इस 10 को सिलेक्ट किया, इसके बाद देखिए इसमें मिनिमम कौन है, फिर से 10 है, तो 10 10 इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो ए मेथड था आपको कॉस्ट पेनाल्टी कॉस्ट कैलकुलेट करने का, ये मेथड था आपका पेनाल्टी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, आप जो पेनाल्टी निकल गया इसमें से मैक्सिमम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो सिलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उस करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में आपको मिनिमम एलिमेंट देख लेना है, ओके। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे देखिए ए पेनाल्टी 243, इधर पेनाल्टी 5510, तो मैक्सिमम कौन सा है 5 है, तो यहाँ पे दो टाई हो गया, तो आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया फर्स्ट कॉलम को ले लिया, तो थोड़ा सा हिंट के लिए हम लोग क्या इसको ऐसे एरो दे दे रहे हैं, इसका मतलब होगा कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट कॉलम में हमें देखना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिनिमम 11 है, तो हमने यहाँ पे हमें असाइन करना है। तो असाइन करने का हमने तरीका क्या देखा था, इसमें डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम होगा वो इसको एलोकेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 और यहाँ पे 250 है,
यहाँ पे जो एलोकेट हो जाएगा 200। तो इस वेरिएबल्स को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, X11 को कितना मैं असाइन कर दूंगा 200। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं फर्स्ट कॉलम को कट कर दे रहा हूँ। ओके, और ये अपडेट होकर आपके क्या बन जाएगा, 200 था ना, ये बन जाएगा 50। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स बचा, इस मैट्रिक्स में फिर से वही मेथड आपको रिपीट करना है, बस यही था आपका होजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ठीक है, इसमें फिर से रिपीट करते हैं हम। अब फिर से आपको पेनाल्टी निकालना होगा, तो यहाँ पे पेनाल्टी निकालते हैं, तो सेकंड पेनाल्टी क्या होगा, अब इसमें से देखिए फर्स्ट रो में, अभी फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इसमें से, इस तीनों में से मिनिमम और सेकेंड, इस तीनों में से स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो फर्स्ट 13 है एंड देन आफ्टर 14 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड रो में देखिए 4 हो जाएगा, थर्ड में देखिए 3 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब इसी में देखिए सेकेंड, अब इस मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कॉलम में बन गया, डी टू में देखिए, तो डी टू में मिनिमम लिस्ट और सेकेंड लिस्ट एलिमेंट का डिफरेंस क्या होगा, 3 और 5, तो अगेन 5 हो जाएगा, इधर अगेन 1 हो जाएगा, इधर अगेन 0 हो जाएगा। अब इसको पी टू नाम दे दे रहे हैं, अभी तो खत्म हो गया ना, इसको डैश लगा दीजिए। तो यहां से आप देख रहे होंगे सेकेंड पेनाल्टी हमने निकाला हुआ है 1, 4, 3 एंड 5, 1, 0। इन सब पेनाल्टी में मैक्सिमम कौन सा है, 5 है, तो 5 वाला इंटर करेगा। ओके, अब यहां से हमें इस डी टू को सिलेक्ट कर लेना है। अब डी टू में देखना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 13 है, तो 13 को हम फिर जैसे पहले असाइन करते थे वैसे असाइन करेंगे, क्या 225 एंड 50 में से मिनिमम कौन सा है, वो इसको असाइंड हो जाएगा, तो मिनिमम 50 है, तो इसको 50 असाइंड हो जाएगा, दैट इज X12 = हो जाएगा 50। ओके, तो इधर का पूरा सप्लाई कंप्लीट हो गया 0, तो आपका यहां से अब फर्स्ट रो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब जो बचा उसमें फिर से हमें वही काम करना है, तो आप थर्ड पेनाल्टी कैलकुलेट करिए फटाफट। थर्ड पेनाल्टी क्या, फर्स्ट रो तो काम खत्म हो गया, इधर से करेंगे तो इधर से 4 हो जाएगा, इसके लिए फिर से 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे हम थर्ड पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे, ए डैश इधर डिफरेंस हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें फिर से वही काम करना है, अब इसमें देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 है, तो फिर से हम इस डी टू कॉलम में देखेंगे, तो डी टू कॉलम में देखिए मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 18 है, तो 18 को अब एलिमेंट असाइन कर, अब इसको एलोकेट करना, तब इसको कितना एलोकेट करेंगे, अच्छा यहाँ 50 था, तो ए अपडेट हो जाएगा 50 माइनस कर देना आपको, तो अब ये हो जाएगा 175। ठीक है, तो अब देखना है कि 175 एंड 300 में से मिनिमम कौन सा है, तो 175 है, तो इसको असाइन हो जाएगा 175। ठीक है, अब ए अपडेट कर दीजिए, तो 175 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 हो गया, और इसका सेकेंड का कंप्लीट हो गया, 175 असाइन किया, तब ये 0 हो जाएगा, तो आपका डी टू कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब फिर से जो नेक्स्ट बचा, इसका फिर से पेनाल्टी निकालिए, तो नेक्स्ट P4 निकालिए, और जो मैक्सिमम होगा उसको इंटर करा देना है। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको डैश लगा दीजिए, इधर आ जाएगा 1 ही, इधर आएगा 0 ही, इधर क्वेश्चन पेनाल्टी निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 वाला मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब जो इंटर करेगा आपका ये 4, इसको सेकेंड सॉरी O2 रो में हम देखेंगे, तो O2 रो में देखिए मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 10 है, तो 10 को कौन सा असाइन करेंगे, जो 125 एंड 250 में से मिनिमम होगा, इसमें मिनिमम क्या है 125, तो इसको 125 असाइन कर दिया, अब ये कंप्लीट हो गया, और ये अपडेट होकर क्या बन जाएगा 125, तो हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ एक्स, इसको ये क्या था 22, X22 था यहाँ पे 175, उसी तरह इधर हो गया X24। ओके, अब हमारे पास बचा 13 और 10, इसमें अब इसका पेनाल्टी निकालिए, तो पेनाल्टी निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, नेक्स्ट अभी P5 निकालेंगे, तो P5 इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, और इधर निकालेंगे तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, P5 इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं, इधर AGT रह जाएगा, तब इधर फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 13 हो जाएगा और इधर 18 हो जाएगा, तो समय मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा कि 13 ही है, तो यहाँ पे आप असाइन कर देंगे इसको। ओके, तो अब यहाँ पे 13 को असाइन करेंगे, 13 कितना असाइन करेंगे, 275 और 400, तो दोनों मिनिमम कौन सा है 275, तो यहाँ असाइन करेंगे 275। ओके,
ए अपडेट होके 0 हो गया और ए अपडेट होके आपका क्या हो जाएगा 125। तो नेक्स्ट एक ही बच्चा, तो इसको असाइन कर देंगे 125। ठीक है, तो अब यहाँ से सबका एलोकेशन हो गया, तो इसको बेसिक वेरिएबल्स को नोट डाउन कर ले रहे हैं, x24 और ए नेक्स्ट हो जाएगा 24 के बाद है x33। ये हो जाएगा आपका 275 एंड लास्ट वन x34, ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया बेसिक वेरिएबल्स। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए यहां से, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो मैं डायरेक्टली कॉस्ट निकलवा दे रहा हूं, सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपको क्या हो जाएगा 11 प्लस 50 × 13 प्लस 175 × 18 प्लस 125 × 10 प्लस ये देखिए 275 × 13 प्लस 125 × 10 ओके। इसको सोल्व करिए आप लोग, तो होपफुली इतना आ रहा होगा, आप कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा। तो ए मेथड था, तो मैं एक बार क्विक रिव्यू करा दे रहा हूं कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना था। उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। पेनाल्टी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप इसी मैट्रिक्स के बगल में इधर रो पेनाल्टी लिख लेना और नीचे कॉलम पेनाल्टी। रो पेनाल्टी या कॉलम पेनाल्टी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप रो पेनाल्टी कैलकुलेट करो तो फर्स्ट रो के लिए कैसे करोगे, आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना, देन सेकंड, देन आफ्टर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बाद सबसे छोटा कौन सा है, 13 है। इस दोनों का 13 − 11 हो जाएगा, जो ये फर्स्ट रो का पेनाल्टी हो जाएगा। उसी तरह सेकंड का क्या होगा, स्मॉलेस्ट है 10 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट है 14, तो इसका पेनाल्टी हो जाएगा 14 − 10 4। तो इस तरह से आपको रो का कर लेना है। सिमिलरली कॉलम का करना है, तो कॉलम में क्या था, जैसे यहाँ पे स्मॉल फर्स्ट स्मॉलेस्ट 10 है, सेकंड स्मॉलेस्ट भी 10 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका पेनाल्टी यहाँ पे हो गया 0। उसी जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम का कैलकुलेट करना चाहो तो 11 है, देन आफ्टर 16 है, तो यहाँ पे पेनाल्टी हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। फिर पेनाल्टी निकालने के बाद हमने जैसे एलोकेशन किया, तो एलोकेट करना है दोनों में, जो जैसे ये रो और कॉलम ले लीजिए, दोनों में जो मिनिमम होगा उसको उस वेरिएबल को एलोकेट कर देना है। देन आफ्टर जैसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट या लिस्ट कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके करते थे, वैसे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल कॉस्ट निकाल लेना है। तो जो आएगा वो या तो ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत ही क्लोज आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। जब आपको कोई नाम ना दे एग्जाम में तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब ऑप्टिमल की बात करें ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अप्रोच लेना, ताकि इससे मोस्ट प्रोबेबली आप ऑप्टिमल के क्लोज में पहुंचते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।